Now, the Prime Minister's incompetence has severely damaged Canada's relations with the world's largest democracy and an emerging power in Asia. Will the Prime Minister finally do the right thing and produce some kind of proof of his conspiracy theory? भारत ने कनाडा को मिट्टी में, रेत में उनका सिर दे रखा है और सिर्फ घसीट रहे हैं उनको। सीधे तौर पे माफी की मांग करिए प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो से, ये सीधे तौर पे बताया गया है कि वहां के पार्लियामेंट में हुआ है। और घसीट भी इसलिए रहे हैं कि ये ऐलानिया तौर पे जितने बड़े ममालिक हैं पश्चिम के, वेस्ट के, ये गोरी चमड़ी सोचते हैं कि ये लोग सुपीरियर हैं। ये आप देख लीजिए, आप भारत के साथ करेंगे ऐसा तो आपके साथ ये करेंगे हम। दिस ट्रीटमेंट विल बी मेटेड आउट टू यू, आपके साथ भी यही ट्रीटमेंट होगा जब आप भारत से पंगा लेंगे। सर, जापान भारत के साथ दोस्ती निभा रहा है या वाकई उनको भारत पर ट्रस्ट है कि भारत इस तरह की इमैच्योर हरकतें कर ही नहीं सकता है जैसा कि ट्रूडो एलिगेशंस लगा रहे हैं? और तमाम भारत के जो टेररिस्ट हैं वो आपने पाल रखे हैं, और सिर्फ भारत के नहीं, अमेरिका का भी मोस्ट वांटेड आपके घर से मिला था। ट्रूडो की जो पार्टी है, लिबरल पार्टी, वो इस वक्त बहुत उसका ग्राफ नीचे चला गया है और इलेक्शन आने वाले हैं और इलेक्शंस में ये कहा जा रहा है, काफी हद तक तो यकीन के साथ कहा जा रहा है कि जस्टिन ट्रूडो की पार्टी इलेक्शन नहीं जीतेगी। उधर के प्राइम मिनिस्टर ने फ्लोर ऑफ द पार्लियामेंट के ऊपर झूठ बोला और हमने वीजा सर्विसेज सस्पेंड कर दी। वो उनकी हिम्मत नहीं है कि इंडिया की वीजा सर्विस वो। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल SP News 91 में। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि कन्नडा पीएम का जो फिलहाल जो उन्होंने दाव खेला था वो उन पर उल्टा पड़ता दिखाई दे रहा है, क्योंकि कन्नाडा के विपक्षी नेता एंड्रू शीर ने संसद सत्र में उन पर ऐसे ऐसे दाव पेच कसे कि उसने दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र भारत देश पर ऐसे तंजी या ऐसे एलिगेशन कैसे लगा दिया। इस चीज़ का उन्होंने प्रूफ मांगा है कि आपने बेबुनियाद झूठा इल्ज़ाम या झूठा एलिगेशन कैसे लगा दिया। इस चीज़ का उन्होंने संसद के सत्र में उनसे जवाब मांगा है और तरह तरह की बातें कही है। मैं आपको बता दूं कि जो विपक्षी नेता है कनाडा के अंदर ये एंड्रू शीर है, इस बार जो ये ट्रूडो है, ट्रूडो का जो कनाडा का इलेक्शन जीतना है वो थोड़ा बहुत मुश्किल दिखाई दे रहा है और इसी वजह से उन्होंने सिर्फ पॉपुलैरिटी पाने के लिए कुछ ऐसा किया है। लेकिन ये जो दाव पेच उन्होंने खेला है ये उन पर उल्टा पड़ता नजर आ रहा है। दोस्तों, वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग रहने वाली है, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। और आपने क्लिप्स में देखा भी होगा किस तरीके से विपक्षी नेता जो कनाडा के हैं एंड्रू शीर, उन्होंने किस तरीके से जो ये ट्रूडो है जो फिलहाल प्रेजेंट में वहां के प्रेसिडेंट हैं, जो फिलहाल प्रेजेंट में प्रेसिडेंट हैं, उन्हें किस तरीके से मतलब कैसे कैसे उनसे सवाल किए हैं और किस तरीके से उन्हें अपने सवालों के घेरे में लिया है। दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो आइए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। India has arrived at the global platform and the world community, the global leadership is standing in ovation. खड़े होके दोनों पैरों के ऊपर हाथ जोड़ के ताली बजा के भारत का स्वागत किया जा रहा है कि भारत आ चुका है। और हम छोटे होते थे फकर भाई, हम एक गाना सुनते थे, वो गाना था हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब। बिल्कुल बिल्कुल, पूरा है विश्वास हम होंगे कामयाब एक दिन। और मैं आपको वाजे बता रहा हूं, ऐलानिया बता रहा हूं, हम कामयाब हो चुके हैं। बेशक भारत कामयाब हो चुका है। और रही बात कनाडा की, जस्टिन ट्रूडो, मैं डिप्लोमेटिक बात कर रहा हूँ और मैं बहुत डिप्लोमेटिक लैंग्वेज में, और मेरी भाषा, मेरे शब्द भी बड़े सदे हुए हैं जो अल्फाज हैं कि भारत ने कनाडा को मिट्टी में, रेत में उनका सिर दे रखा है और सिर्फ घसीट रहे हैं उनको। और घसीट भी इसलिए रहे हैं कि ये ऐलानिया तौर पे जितने बड़े ममालिक हैं पश्चिम के, वेस्ट के, ये गोरी चमड़ी सोचते हैं कि ये लोग सुपीरियर हैं। ये आप देख लीजिए, आप भारत के साथ करेंगे ऐसा तो आपके साथ ये करेंगे हम। दिस ट्रीटमेंट विल बी मेटेड आउट टू यू, आपके साथ भी यही ट्रीटमेंट होगा जब आप भारत से पंगा लेंगे। आगे बात खालिस्तान की, जो आपका दूसरा सवाल था। जी, ये 80 के दहाके से ये तमाशे चल रहे हैं। बिल्कुल, दुनिया में दो मुल्क हैं जो भारत के मोस्ट वांटेड लोगों को पनाह देते हैं। पहला है कनाडा। भारत का जो गैंगस्टर, जो मर्डरर, जो क्रिमिनल, जो हिस्ट्री चीटर, जो डेजिग्नेटेड टेररिस्ट, ये 5 अलग अलग दर्जे के लोग हैं जो उनको कनाडा ने अपने मुल्क में एक ऑनरेबल सिटीजन यानी कि एक शहरी का, एक वहां का सिटीजन कह लीजिए आप, उसका औहदा दे रखा है कनाडा ने। और दूसरा मुल्क है पाकिस्तान, राइट, जो इंडिया के टेररिस्ट हैं, जो इंडिया के इनामी मुजरिम हैं। दाऊद इब्राहिम आपके पास है, मौलाना मसूद अजहर आपके पास है, और तमाम भारत के जो टेररिस्ट हैं वो आपने पाल रखे हैं। और सिर्फ भारत के नहीं, अमेरिका का भी मोस्ट वांटेड आपके घर से मिला था। बिल्कुल। तो ये कुछ कारण हैं जिन कारणों से ये आपको इवेंचुअली आइसोलेशन फेस करनी पड़ेगी, जैसे आपने फेस की पहले पाकिस्तान ने, और कनाडा फेस कर रहा है वो आइसोलेशन। और मैं आपसे बात करते हुए ऑफ द रिकॉर्ड जब हम बात कर रहे थे तो ये आपके मौलाना हैबतुल्लाह अखुंदजाद हैं पाकिस्तान के, और वो आपने कुछ एक वर्ड यूज किया था, इमारते इस्लामिया, जो भी उनको आप कह लीजिए क्या औहदा क्या है, वो वाजे ऐलानिया तौर पे कहते हैं कि साहब हमारे को पाकिस्तान से कुछ लेना देना नहीं है। बिल्कुल। क्या? और आप हमारे अफेयर्स में इंटरफेयर मत कीजिए। बिल्कुल। हमको तुम्हारी मदद, तुम्हारा सहारा नहीं चाहिए। नहीं चाहिए, बिल्कुल सही। पर ट्रूडो के मदद और सहारे के लिए आके खड़ा होता है पाकिस्तान कि साहब, हाँ साहब ये भारत तो बड़ा दहशतगर्द मुल्क है, हम खुद भारत की दहशतगर्दी से परेशान है जी, देखिए भारत ऐसा करता है वैसा करता है। ये आप जाके उनके साथ खड़े हो गए और ट्रूडो ने आपका सपोर्ट ले लिया। लेकिन कनाडा ने तो हमें कोई लिफ्ट नहीं कराई ना, हमने कोशिश तो बड़ी की, हमने भाई हमने कोशिश तो बड़ी की लेकिन उन्होंने लिफ्ट हमें नहीं करवाई ना, मतलब ट्रूडो ने हमें लिफ्ट नहीं कराई, हमने कोशिश की है। मैं बता रहा हूँ, जिस मुल्क का सहारा अफगानिस्तान नहीं लेना चाहता उसका सहारा कनाडा ले रहा है। हालात देखिए क्या वक्त आ गया इस मुल्क का। मैं आपको बता रहा हूँ, कनाडा इज डिफीटेड डिप्लोमेटिकली। ओके। क्योंकि डिप्लोमेटिक जो रिलेशंस होते हैं वो रेसिप्रोसिटी पे होते हैं, गिव एंड टेक पे होते हैं। बिल्कुल ठीक है। वो बराबरी के रिश्ते होते हैं, चाहे मुल्क छोटा हो चाहे बड़ा। बिल्कुल ठीक है। उन्होंने हमारे एक डिप्लोमेट को एक्सपेल किया, हमने उनके एक डिप्लोमेट को एक्सपेल कर दिया। बिल्कुल ठीक। उधर के प्राइम मिनिस्टर ने फ्लोर ऑफ द पार्लियामेंट के ऊपर झूठ बोला और हमने वीजा सर्विसेज सस्पेंड कर दी। वो उनकी हिम्मत नहीं है कि इंडिया की वीजा सर्विस वो सस्पेंड कर दी। बिल्कुल। 40% जो दुनिया से स्टूडेंट्स आते हैं कनाडा में वो भारत के होते हैं। बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। वो जो कोर्सेज हैं, जो कोर्स फीस है, वो एक कनेडियन के मुकाबले 5 गुना 8 गुना 10 गुना पैसे चार्ज करते हैं। ज्यादा ज्यादा दे रहे हैं। 50-50 लाख भारतीय रुपया, आपका तो 1.5 करोड़ हो गया। 1.5 करोड़ हमारा बल्कि 1.5 से भी ज्यादा बनता है इस वक्त, थोड़ा ज्यादा ही हो गया जी। वो खर्च के यहाँ से बच्चे जाते हैं, वो बंद ही नहीं कर सकते वीजा, कर लो बंद। तो दोस्तों आपने वीडियो तो देख ही लिया होगा। इस वीडियो को देखने के बाद आपको एक चीज जरूर बतानी है कि ये जो ट्रूडो है, क्या कनाडा का पीएम दोबारा से बन सकता है? हालांकि बात कुछ ऐसी है कि जो कनाडा के अंदर दोबारा से चुनाव होने वाले हैं और ये चाहता है कि दोबारा से भी यही मतलब वहाँ का पीएम बन जाए। लेकिन क्या ऐसा होता है? क्या ऐसे दांव पेच करके मोदी जी के बारे में या फिर भारत के बारे में या किसी देश के भी बारे में ऐसे एलिगेशन लगा करके क्या कोई पीएम बन सकता है? अगर ऐसा होता तो हमारे देश में पता नहीं कितने लोग हैं, मैं एक दूसरे पे आरोप ना लगा के किसी भी देश को ठोक देते, ठाके किसी भी देश को कह देते, एलिगेशन लगा देते उस पर। तो दोस्तों आप बताइए कि क्या कोई ऐसे पीएम बन सकता है? आपको कमेंट में ज़रूर अपनी राय बतानी है। मैं आपको बता दूं, यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिएगा, ताकि भविष्य में हम जैसे ही कोई वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच जाए। और साथ ही मैं आपको बता दूं कि अगर आपने अभी तक भी इस वीडियो को लाइक और शेयर नहीं किया है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। तो दोस्तों वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।